सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के अंदर अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और एंगल उनके डायरेक्शंस के बीच में थीटा है, तो क्योंकि वेक्टर्स के अंदर हमने तीन ऑपरेशंस करने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, बस डिवीजन नहीं होती वेक्टर की। तो उनमें से पहला हमने कर लिया एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का कोई लॉ नहीं है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के अंदर हम अपने एडिशन के लॉ को ही यूज करते हुए सब्ट्रैक्शन कर देंगे। कैसे? अगर आपको ए वेक्टर, बी वेक्टर और थीटा गिवन है, देखो हर क्वेश्चन में ये तीन चीजें तो पक्का गिवन होगी, और आपको क्या निकालना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो आप इस जो सब्ट्रैक्शन है इस क्वेश्चन को एडिशन में कन्वर्ट कर लें। कैसे? ए वेक्टर में क्या ऐड करें? माइनस बी वेक्टर। बी वेक्टर, अब ये ना कहीं ये माइनस हो रहे हैं, आपको ये दोनों वेक्टर्स प्लस हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, कौन दो वेक्टर्स प्लस हो रहे हैं? ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर। पर मेरे को क्वेश्चन में क्या गिवन है? बी वेक्टर, और मुझे क्या चाहिए? माइनस बी वेक्टर। तो मैं काम करूंगा, इस बी वेक्टर के ऑपोजिट यहां एक वेक्टर ड्रॉ कर लूंगा, ये रहा कितना, माइनस बी वेक्टर, ऐसे। तो ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है? दिस इज नेगेटिव वेक्टर। तो ये नेगेटिव वेक्टर आ गया, क्योंकि अगर मेरे को बी वेक्टर गिवन है और लेकिन चाहिए मुझे माइनस बी वेक्टर, तो मैं नेगेटिव कर दूंगा, तो ये मेरा नेगेटिव वेक्टर आ गया। तो इस केस में ये ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये थीटा, और मुझे चाहिए ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर ताकि मैं ऐड करके आंसर निकाल लूं, तो ये मैंने माइनस बी वेक्टर ले लिया। अब मुझे ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, पैरेललोग्राम ड्रॉ करूंगा, इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, और ये क्या है, इसका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या होगा, दिस वेक्टर ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, तो क्या बन गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कोई डाउट इसमें? अब अगर कोई पूछे आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू के लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। हमने एडिशन ऑफ वेक्टर में रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या किया था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो स्टार्ट करो, आर की वैल्यू क्या होगी, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, यानी इसकी लेंथ क्या है, ए, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, माइनस बी। नहीं, आपने कभी मैथ्स की क्लासेस सुने, ये लेंथ मेजर करो, दिस इज माइनस 10। कैसे भैया, लंबाई कैसे आपकी नेगेटिव में हो सकती है, पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव होता ही नहीं, तो इसलिए इसको आपने क्या बोलना है, बी ही बोलना है। तो माइनस साइन क्या कर रहा है, डायरेक्शन को सिग्निफाई कर रहा है। तो इसमें इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड बी है, तो पैरेललोग्राम में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस ऑफ, किन दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, इसको और इसको, इनके बीच में एंगल देखें, अगर इनके बीच में एंगल थीटा है और टोटल 180 है, तो ये क्या बनेगा, 180 माइनस थीटा। तो कॉस ऑफ क्या बनेगा, 180 माइनस थीटा। अब मैथ्स के अंदर हमने कोऑर्डिनेट्स किए थे, 180 माइनस थीटा में ये 90 की लाइन है, ये 180 की लाइन है, 180 माइनस समथिंग कौन सा कोऑर्डिनेट है, सेकंड। तो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा में सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस क्या आएगा, नेगेटिव। तो क्योंकि 180 है तो कॉस क्या रहेगा, कॉस, और ये थीटा, तो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं, माइनस कॉस थीटा। तो ये कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा की जगह माइनस कॉस थीटा। तो ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया। तो एडिशन ऑफ वेक्टर में रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। एडिशन ऑफ वेक्टर में रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो है वो प्लस में था, तो इसमें क्या है, नेगेटिव में, बात ही खत्म। तो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर से याद करो, जैसे मर्जी याद करो, फॉर्मूला सबको याद हो ही चुका है रिजल्टेंट का। तो एडिशन में क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। सब्ट्रैक्शन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। पेपर में ऐसा कुछ नहीं आता, डायग्राम ड्रॉ करो कुछ नहीं आएगा, आपको सब्ट्रैक्शन में सीधा रिजल्टेंट निकालना आएगा। तो सब्ट्रैक्शन में रिजल्टेंट निकालना आ गया, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बात खत्म। ठीक, ऐसे ही अगर मान लो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकालना है, देखो ये जो थ्योरी का ये पेज है जो मैं करा रहा हूँ, ये मैंने अपने मन से लिखा हुआ है, प्लीज आप ये ना सोचें किताब खोल लेंगे ऐसा मिलेगा, नहीं नहीं, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि कैसे आपने सोचना है। तो आपकी किताब में तो बस डन, इतना काम खत्म है इसमें। तो मैंने ऐसा सोचा कि उल्टा निकालते हैं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो इसको एडिशन में कन्वर्ट कर दिया, बी वेक्टर
माइनस ए वेक्टर, ये एडिशन है। अब ए वेक्टर कहां पर है? राइट है। माइनस ए वेक्टर कहां पर होगा? इसके लेफ्ट पे होगा। तो एक वेक्टर बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर, अब इन दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो आर वेक्टर आएगा विच विल बी इक्वल टू बी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर, आर वेक्टर आ गया। ठीक है यहां तक। अब पैरेललोग्राम कैसे बनेगा? इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये रिजल्टेंट है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? आर का अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, देखो माइनस ए नहीं बोलना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इन दोनों वेक्टर में एंगल क्या है? अगर ये थीटा है तो 180, तो अगेन सेम आंसर आएगा। तो चाहे आप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड यानी मैग्नीट्यूड निकाल लो या बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दो, आंसर सेम आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। फिर आपको कोई डिफरेंस क्या है दोनों में? डायरेक्शन, क्योंकि अगर आप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ड्रॉ कर रहे थे तो डायरेक्शन यहां ही थी, और अगर आप बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कर रहे हो तो डायरेक्शन यहां बनेगी। सिर्फ डायरेक्शन का ही फर्क है, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा। डायरेक्शन तो क्वेश्चन में देखेंगे कैसे। टैन बीटा को ट्रायंगल गिवन होगा, टैन बीटा जैसे हमने वो किया था एडिशन में, टैन बीटा का फॉर्मूला लगा लेंगे। वैसे सब्ट्रैक्शन में डायरेक्शन आती नहीं है, एडिशन में ज्यादा आती है, सब्ट्रैक्शन में यूज नहीं होती, तो ये मैंने ये निकाली भी नहीं। राइट, अब जैसे सपोज आपने किया माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, अब माइनस ए वेक्टर एक ब्रैकेट में प्लस माइनस बी वेक्टर एक ब्रैकेट में, आपको ये चीज गिवन होगी ए वेक्टर बी वेक्टर थीटा। आप ए वेक्टर का उल्टा नेगेटिव वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो इन दोनों को ऐड करो, इसके पैरेलल ये रिजल्टेंट, तो माइनस ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? आर का अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट। तो आंसर क्या आ गया? एग्जैक्टली सेम आपको ये क्या है, सब्ट्रैक्शन कर रहे, सेम कैसे आ गया? सेम तो आना ही था, क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें एडिशन ऑफ वेक्टर करते ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो क्या आंसर आता? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही आता। और यहां पर इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट लेके आते हो तो इस वेक्टर को ऐसे भी तो लिख सकते हो, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर इसके उल्टा होगा एग्जैक्टली, तो सही है ना, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट है। तो इसलिए आर की वैल्यू मैग्नीट्यूड में विल रिमेन सेम, बस फर्क ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इधर जा रहा है तो माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट आएगा। राइट, क्लियर है यहां तक? तो ऐसा कुछ होगा। वैसे ये जस्ट मैंने बनाया हुआ क्वेश्चन है, मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि पेपर या स्कूल बुक्स के अंदर आपको दिखेगा। जब आपको बता रहा हूं कि कैसे आपने मैग्नीट्यूड्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है यहां तक? तो ये है आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स।